नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। जिला कैथल में NH हाईवे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि NH 65 बाईपास पर निर्माणाधीन पुल अचानक गिर पड़ा है। कैथल में NH 65 बाईपास नहर के ऊपर से गुजरने वाला निर्माणाधीन पुल अचानक गिर पड़ा। इस हादसे में किसी की जानमाल की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन निर्माण के दौरान पुल गिर जाना भारी अनियमितताओं की ओर इशारा कर रहा है। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के कैथल में NH 65 बाईपास पर नहर के ऊपर से गुजरने वाला पुल जो है वो कमज़ोर था, गिर पड़ा या कारण क्या रहा उसका बाद में पता लगेगा। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस बाईपास का उद्घाटन किया था। इस हादसे में किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से अचानक पुल गिर जाना भारी अनियमितताओं की तरफ इशारा करता है और घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर भी सवाल उठा रहा है। पुल गिरने की जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरह की सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई थी। जब निर्माणाधीन पुल अचानक गिरा तो भाखड़ा की सिरसा ब्रांच नहर बंद थी, वरना सिरसा में निर्माणाधीन पुल का मलबा नहर के अंदर गिरने से नहर टूट सकती थी, जिससे हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती। भाखड़ा की सिरसा ब्रांच में 2300 क्यूसेक पानी गुजरता है और नहर टूटने की सूरत में नुकसान का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। हालांकि नहर विभाग द्वारा NH 65 बनाने वाली कंपनी को 24 घंटे में साफ करने के लिए निर्देश दिए हैं कि वहां से मलबा हटाया जाए। आप देख रहे हैं कैथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम गीतांश। ये कौन सी लोकेशन में पुल है? क्या है जी, ये कहाँ की लोकेशन है? RD 196,800 जी। तो बता सकते हैं पुल ये कब और कैसे गिरा? कुछ सर, ये नेशनल हाईवे वाले बना रहे हैं जी, ये उनका काम है जी, वो कर रहे हैं। तो कब गिरा? ये सुबह ही गिरा है सर। तो कोई बैलेंस बिगड़ गया इनका ना काम करते हुए? नहीं, तो नहर का पानी रोका गया था क्या पहले ही? नहीं, पहले ही बंद है नहर तो ये पीछे से। सर, इसकी RD 196,800 है सिरसा ब्रांच। तो बता सकते हैं पुल कौन सी लोकेशन पे गिरा है? 196,800 है हमारी लोकेशन सिरसा ब्रांच की। ये सुबह 6 बजे के करीब गिरा है इनकी, ये काम करते हुए बैलेंस बिगड़ गया बीम का और ये नीचे गिर गया। तो आपको क्या लगता है कि बीम का बैलेंस बिगड़ना कोई घटिया सामग्री हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो काम करते हुए कुछ भी, बस ये तो लेबर के लगाओ लापरवाही है जैसा भी है, तो ये उसका बैलेंस काम करते हुए सेट कर रहे थे इसको और बैलेंस बिगड़ गया और गिर गया ये। तो जैसे हमारे पास रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो आप लोग जाँच पे आए थे, आपने कब, आपको कब पता लगा इसका? ये हमें सुबह ही पता लगा। हम सुबह भी आए थे और अब भी आए। कोई जान माल का नुकसान? नहीं, कुछ नहीं हुआ इसमें, जान माल का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये नया है, बाईपास है मेरे ख्याल से, बाईपास।
सेटिंग शूटिंग कर रहे होंगे ना आखिर के। और जी ठीक है, बुलावा मैं तो जाऊँ भाई मालिक का बात।